जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। जी हाँ दोस्तों, खबर बताने से पहले आप सबको सतर्क कर देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर गहने, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, कोई भी वस्तुएं अगर घर से बाहर ले जाते हैं, दुकान पर ले जाते हैं या फिर कहीं पर भी, या फिर खरीद कर ले जाते हैं, तो कृपया करके वे लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अब खबर बता देना चाहते हैं। भोजपुर जिले के पीरू अनुमंडल की है। पीरू अनुमंडल के अमई पंचायत के, जो कि पूर्व जिला परिषद प्रमोद सिंह जी के पॉकेट से जीतिया जो है निकालकर दो चोर उचक्के ने लेकर भाग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी आपको बताएंगे किस तरह से दो लड़के ने पॉकेट से निकालकर जीतिया को लेकर चुरा ले गए और भाग गए। जी हाँ दोस्तों, खबर जो है हसन बाजार की है। हसन बाजार में ज्यों ही पूर्व जिला परिषद प्रमोद यादव जी जब जीतिया को बाजार में लेकर जाते हैं गथवाने के लिए, वैसे ही दो चोर ने उस जीतिया को देखे और सोने चांदी के जो जीतिया बने हुए थे उनको देखे और उनके पीछे पड़ गए। ज्यों ही वे दुकान पर दिए बनवाने के लिए, गथवाने के लिए, तो उसके बाद फिर गथवाने के बाद पुनः वे ले लिए और रुमाल में रखकर पॉकेट में डाल लिए। तो जो भी दो व्यक्ति जो चोर थे वे देख ही रहे थे अचानक, देखते देखते और कुछ आपस में बातें भी कर रहे थे। हालांकि प्रमोद जी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो दो लड़के थे वे दूसरी भाषा में प्रयोग कर रहे थे, दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो कि भोजपुर जिले या फिर बिहार के कई दूसरे जगह क्षेत्रों के भाषा हो सकते हैं। यहाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं हद तक जब वे पॉकेट में डालकर ज्यों ही हसन बाजार के एक मोबाइल शॉप पर पहुंचते हैं, आप लोग वीडियो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि सारा वीडियो जो है रिकॉर्ड हो चुका है, किस प्रकार से दो लड़कों के द्वारा पॉकेट से निकाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं तक जो है देख सकते हैं, वीडियो जो है आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। वीडियो इस तरह से चल रहे हैं, जैसे देख सकते हैं कि जो एक लड़के हैं, पहले एक लड़का पहुँचता है दुकान पर, उसके बाद फिर दूसरा लड़का पहुँचता है। दूसरा लड़का जो है दुकानदार के मालिक से भी हम लोग बात किए कि क्या बोले थे वे लड़के लोग, तो दुकानदार के मालिक ने ये बताया कि कुछ सामान खरीदने के लिए दूसरा लड़का गया था। हालांकि पहला लड़का जाकर प्रमोद जी यानी पूर्व जिला परिषद के समीप खड़ा हो जाता है, फिर हाथ में बोरा लिए रहता है कि कोई देखे ना, बोरा लेकर सट जाता है उनके शरीर में, सटने के बाद से उनके पॉकेट में हाथ डाल देता है। और दूसरा लड़का जो है दुकानदार से बात करते करते बात करता है वैसे ही ज्यों, और दूसरा जो लड़का है उनके पॉकेट से, प्रमोद जी के पॉकेट से जीतिया का निकाल दिया जाता है। हालांकि आपको बता देना चाहते हैं, जीतिए जो हैं 6 गो थे, जो कि 4 सोने के बने हुए थे, 2 चांदी के बने हुए थे। 6 के जो कुल कीमत जो है ये बताया जा रहा है लगभग 2.5 लाख से ऊपर है। लगभग लाखों के जो संपत्ति हैं जीतियाँ जो है, कहीं ना कहीं हद तक जीतियाँ जो है पूरे देश में काफ़ी धूमधाम से महिलाएँ बनाती हैं अपने पुत्र के रक्षा के लिए, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि पुत्र जो है सही रहें और स्वस्थ रहें। इसको लेकर संपूर्ण भारत के जितने भी महिलाएं हैं जीतिया पर्व को मनाती हैं। हालांकि जीतिया के एक दिन पूर्व जो है यह घटना को अंजाम दिया गया हसन बाजार से, जो कि काफ़ी खौफनाक है और देखने पर कहीं ना कहीं तक आप लोग सतर्क रहिए। कहीं ना कहीं तक आप दूसरे जगह भी जाते हैं, गहने खरीदते हैं, तो आप लोग भी सतर्क रहिए, क्योंकि आप लोगों के पीछे भी और आप लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं तक जो भी दो व्यक्ति जो हैं पॉकेट से जीतियां निकाले हैं वे बाहर का हो सकते हैं, क्योंकि उनके भाषा जो है प्रमोद जी के द्वारा ये कहा जा रहा है और दुकानदार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो दोनों लड़के थे, दोनों लड़के जो है दूसरे राज्य के या दूसरे जिले के हो सकते हैं, जो कि देखना है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो दो लड़के हैं पकड़ाएँ और इस तरह की घटना जो हैं और दूसरे जगह अंजाम ना दें। इस तरह से आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।